शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काजल, 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 तुम चाहती थी ना कि मैं पायलट बनूं? लो, मैं बन गया पायलट। देखो मेरी तरफ। याद है तुम्हें, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा। So come on, let's go. Let's get ready. Let's catch the bloody plane. Let's touch the sky. आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को ले जाएंगे जहां विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। मेडे, मेडे, मेडे। और एरोबैटिक करेंगे। शेयर, शेयर, शेयर। स्ट्रैपिंग करते हुए हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है और ऊपर चले जाते हैं और हम अपने प्लेन को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 फीट ऊपर ले जाते हैं और स्टार्ट करके अपने प्लेन को नीचे लेके आते हैं। और आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को नीचे लाते हैं और हमारा दिल धक 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 करने लगता है। और उसके बाद हम आसमान को पीछे छोड़ देते हैं और जमीन उठ के हमारे करीब आने लगती है और हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है, और तेज हो जाती है। और हम अपने लिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लिवर आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है और हम जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए चले जा रहे हैं, जा रहे, जा रहे, और धड़ाक करके हमारा प्लेन जमीन को लगता है। काजल, बस संभालो अपने आप को। नहीं, खोल लेने दो राज। अब तक मेरे पास वो कंधा नहीं था जिस पर मैं सर रख के रो सकती। बस तुम क्यों आए राज मुझे बचाने? मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदगी के बहुत मायने हैं। बस अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैडम जूस। थैंक यू। तो अब मैं क्या समझूं कि तुम अपने आप को संभाल लोगी? संभाल लोगी ना? तुम तो इतनी समझदार हो काजल, तुम्हें मैं क्या समझाऊं? तुम अच्छी तरह जानती हो जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस लौट के नहीं आते, उन्हें बुला देने में ही अकलमंदी है ना? या तो पर पहले नहीं बिठाए जा सकते राज। तुम ही कहो, क्या तुम एक पल के लिए भी मुझे भूल पाए? यस डॉक्टर। और उसके रिकॉर्ड्स चेक करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में मिलो। ओके डॉक्टर। हेलो जिया। ओह हाय। गुड न्यूज, शी इज मच बेटर नाउ। वैसे फिजिकली थोड़ी वीक है बट शी विल पिक अप। थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे वो रूम में नहीं है, नीचे गार्डन में है। थैंक यू। हाय काजल। हाय राज। तुम्हारे लिए काजल, तुम इस कुर्सी पर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों बैठी हो इस पर। यहाँ तो बचपन में जब मेरे पैरों पर ब्रेसेस लगे हुए थे और तुम कहती थी उठो उठो राज, चलो भागो भागो, तुम्हें मेरी कसम है भागो, और मैं एकदम तेज भाग उठाता, याद है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो
मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चलो होल्ड माय हैंड, कम ऑन। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? भैया ने बताया? तो फिर किसने? इत्तेफाक ने। मैं जिया के साथ उसके मम्मी पापा से मिलने आया था। मेरी और जिया की शादी होने वाली है। क्या? तो वहां क्यों खड़े हो स्टूपिड? आओ मेरे गले लगो। आज सचमुच तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया राज। बड़ी किस्मत वाली है हमारी जिया, बड़ी किस्मत वाली। अरे किरण कहाँ हो भाई? आई जी। क्या हुआ? भाई एक्सेलेंट न्यूज, अपने सिंगानिया साहब है ना जी, उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्द ही अपने राज और जिया की सगाई कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। जानती हो किरण, ये जिया जो है ना, ये अपनी काजल की सगी ननद है। जी ये इतनी बड़ी दुनिया भी कभी कभी इतनी छोटी क्यों हो जाती? डेस्टिनी। मैडम योर मेडिसिन। ये कौन सी गोलियां दे रही हैं आप? इन्हें नींद की सख्त जरूरत है और बिना गोली के इन्हें नींद नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जरूर आएगी, और वो भी अच्छी नींद आएगी। आज के बाद इन्हें बिना दवा की नींद आएगी। यस सर। ओके गो। ओके सर। चलो मैं आपको सुला देता हूँ, कम ऑन उठो। आहिस्ते, वेरी गुड। नींद नहीं आ रही? तो आपको नींद नहीं आ रही, लोरी गा दूं क्या? तो गा दो ना राज। Excuse me, क्या तुम भी वही देख रहे हो जिया जो मैं देख रहा हूँ? जो तुम देख रहे हो मोंटी, मैं उससे कहीं ज्यादा देख रही हूँ। Well, तुमने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ तभी रेस जीतता है जब खरगोश सो जाता है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना? Don't worry मोंटी, मैं नहीं सोऊंगी। Excuse me. It has been an amazing recovery, sahay sir. मीना जी, बस भी कीजिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, हमारी बच्ची अच्छी हो गई है। और ये खुश होने वाली बात है, रोने वाली थोड़ी है। हाँ सहे साहब, हमारी बच्ची के ठीक होने में ऊपर वाले की कृपा के साथ साथ हमारे होने वाले दामाद का भी। सिंघानिया साहब, दामाद आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बिल्कुल बेटे जैसा है। अंकल मैं समझती हूँ कि काजल भाभी को यहाँ से कहीं बाहर ले जाना चाहिए, है ना? चाहे वो देहरादून ही चली जाए, हवा पानी बदल जाएगा, इट बी चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? ये तो तुमने हमारे मन की बात छीन ली बेटी। सिंघानिया साहब, जिया की सगाई में भी थोड़ा वक्त है ना, अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी बेटी काजल को थोड़े दिनों के लिए अपने घर ले जाएं। लेकिन भाई साहब, उससे पहले तो डॉक्टर की इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब के कहने पर ही तो जिया ने सजेशन दिया आंटी, राइट जिया? दैट्स राइट पापा। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया सिंघानिया साहब।